अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ याद करनी है वो है रिवाइंड विद समीना पीरजादा। बहुत अच्छा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, इसको शेयर करें और ज़िंदगी एंजॉय करें। इसका बहुत सारा फायदा है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें 100 to 150 एक्सरसाइजेस होती है, 100 to 150। अच्छा, यस। इससे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इसके बैक एक्सरसाइज होती है, इसके अपर बॉडी की एक्सरसाइज होती है, आपके लेग्स की, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, नहीं, इसमें स्पेशली होता है कि आपकी बैलेंसिंग की वजह से एक्सरसाइज होती है। देखिए, सबसे पहले इसका दो फायदा, एक ये है कि आपको बैलेंस लेके आती है, ठीक है। आप जब आप कोई एक्सरसाइज करती हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन जो है ना, आपके कोऑर्डिनेशन को ये करते हैं, ये और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन को, मतलब कोऑर्डिनेशन माइंड की एक्सरसाइज। जब आप इधर आते हैं तो ऑटोमेटिक आपके इंगेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यूर सेटिंग हेयर एंड आपका जो माइंड है ना, ये आपको इंगेज कर देती है, यू नो। जब आपकी माइंड किसी जगह में इंगेज होती है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। सो और दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि जब आप बैलेंस दो सेकंड के लिए जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ये ले। हाँ जी, अच्छा, सही। दूसरी बात यह है कि जब आपके लाइफ, मतलब जब आप किसी चीज में बैलेंस लाते हैं, ठीक है, वो आपकी लाइफ में बैलेंस ले आती हैं। जब खुद बैलेंस कर देते हैं, अपनी माइंड को बैलेंस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में जितनी जो भी है, आपकी लाइफ स्टाइल बैलेंस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, दैट्स वेरी ट्रू। पता है, जिस तरह अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे, इवन मैं कल ये सोच रही थी कि जितने लोग भी, आई वाज थिंकिंग कि एक पपी लेना चाहिए। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा, नहीं, जब आप एक पपी रखते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, उसको वॉक्स पर लेकर जाना होता है। फिर मैंने सोचा कि शायद आपकी अपनी जिंदगी भी जो है ना, वो थोड़ी रूटीन में चली जाती है जब आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड एवरीथिंग। तो नॉट जस्ट, जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई चीज ही आए तो आप जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाए। इवन एक्सरसाइज भी अपने आप को डिसिप्लिन करने का एक तरीका है कि अपने लिए टाइम निकालना बगैर किसी जिम्मेदारी के। आपको पता भी नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है कैसे आप मैनेज हो गए हैं। बिल्कुल। और आजकल तो मतलब वो स्किनी फैट का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि आप हैं पतले लेकिन आपकी इंतहाई जो है वो खराब ईटिंग हैबिट्स हैं, जंक फूड आप खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो अल्लाह ताला ने आपका मेटाबॉलिज्म या बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा रखा है कि आप पतले ही हैं, बट उसको स्किनी फैट कहते हैं, कि नॉट हेल्दी। एग्जैक्टली, यू नो, कि आपकी इम्यूनिटी भी लो है, आपकी वो जो है, मैं अपने आप को भी जो है इस कैटेगरी में थोड़ा सा वो बॉर्डर लाइन समझती हूँ कि मैं भी इसी पे आती हूँ, बिकॉज़ आई एम ऑलवेज सिक। कल रात को मुझे सेम यही क्वेश्चन आए थे, तकरीबन काफी देर तक था, अलबत्ता मैं देना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैं अभी उसको इसके आंसर ना दूं तो फिर मैं भूल जाऊंगी, कल नहीं हो सकता, फिर मैंने दे दिया। कहते हैं मैं इतना खाता हूँ, वो इनफैक्ट वो कहते हैं कि मैं इतना खाता हूँ, मैं इतना, लेकिन फिर भी मैं इसकी नहीं हूँ। मैं इसकी, ये क्या लोग कुछ भी नहीं खाते, वो पतला, कहते हैं अजीब जिंदगी, उसने ये बात कह दिया। मैंने कहा कि देखो, जिस तरह एक अनहेल्दी लाइफ है जो, और वो मोटे होते हैं, इसी तरह आपके भी अनहेल्दी लाइफ है और आप इन्वर्स हो रही है आपका और हमारा डिफरेंट ऑपोजिट है। आपका जो कैटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, वो कैटेगरी, दो कैटेगरी होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के, एक है एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में जो ऐसा होता है कि हम मतलब कैटाबॉलिक आप एनर्जी देते हैं और एनाबॉलिक है एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि बहुत से दो तरह फास्ट जो बहुत सुनते हैं, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, और कुछ लोगों का स्लो है। जिनका स्लो है वो फैट हो जाते हैं, जिनका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट है, कुछ कुछ भी खाते हैं, वो फौरन वो थ्रू आउट होती है, तो उनका ये होता है। तो मसला सारा ये है कि हम बैलेंस जिंदगी में नहीं लेकर आते। एग्जैक्टली, करना है वर्कआउट, हर तरह की करना है, वर्कआउट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। विदाउट वर्कआउट, मैं बहुत ज्यादा, मैं 3-4 पे बहुत बिलीव करती हूँ। सबसे पहले वर्कआउट, डाइट, प्लस आपका गुड हेल्दी
लाइफ का मतलब जिसमें खाना पीना, खाना पीने, स्लीपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में. अगर आप स्लीप नहीं करते अगेन आपके कोई ना कोई मिसिंग होती है. तो हम उन चीज़ों के ये जो चार चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में. राइट, यस, स्टार्ट करते हैं. चलिए जनाब, ओके, आपने सबसे पहले वही आपने स्टार्ट करना है वार्म अप के बाद फिर थोड़ा सा कार्डियो कर देना है. कार्डियो के बाद फिर आपने स्टार्ट करना है, यही एक एक्सरसाइज है जो मैं अभी का आज आपको करा देती हूँ. जो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं बैक एंड आपके चेस्ट पेक्टोरियल मसल के लिए, ठीक है. सो मसल के आपने करते हैं जिसमें आपने डंबल लेना है. डंबल के आप अगर आपने बिगिनर हैं तो वही 1 kg ओके या 2 kg ओके. अगर थोड़ा सा आपने हैवी है, इनफैक्ट अगर आप जिम भी करते हैं या जो मेल हजरात हैं वो भी एक इसी में वो इंक्लाइन या इंक्लाइन एक्सरसाइज इसी से भी कर सकते हैं. जैसे आपने इंक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं या इंक्लाइन करते हैं तो आप आज स्विस बॉल पे करें ताकि आपके कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा वो हो जाए, ठीक है. अब यहाँ से ऐसे आपने आना है, ठीक है. पोजीशन है, अगर मैं इंक्लाइन करना चाहती हूँ तो थोड़ा सा अपनी लोअर बॉडी को हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है और अपर बॉडी को थोड़ा सा आपने अप रखना है, ठीक है. ये हो गया आपका इंक्लाइन. अच्छा, अगर मैं इंक्लाइन करनी है चुका, सबसे पहले मैंने इंक्लाइन करवाती इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, ठीक है. डबल से आपने करना है, आपने बारबल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने फैलन स्टार्ट करते हैं, जो शुरू स्टार्ट करते हैं डंबल के साथ. आपका जो है बिल्कुल चेस्ट बराबर रखना है, ठीक है. और अपने लोअर जो हार्म है वो आपने अप रखना है, बहुत नीचे भी नहीं करना है और बहुत ऊपर भी नहीं करना. ओके, स्टार्ट करना है, डीप ब्रेथ लेते हैं, इनहेल करना है, देन नीचे आना है, एक्सहेल करना है, ठीक है. राइट, फुल एंड एक्सहेल. टमी को फुल टाइट करना है, जैसे आपने सांस नहीं रोकना है लेकिन टमी को आपने टाइट रखना है, अंदर करना है. जैसे आप टमी जैसे आप क्रंचेस करते हो और आपकी टमी को फोकस रखी होती है ना, इसी तरह आपने यहाँ भी अपने टमी को करना है, टाइट रखना है. साथ साथ आपने फोकस भी उधर रखना है, तीन जगह में, एक आपने फॉर्म, दूसरे अपनी ब्रेथ, तीसरे आपकी टमी. ये तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपने रखना है, फोकस रखना है, ठीक है. ये हो गया. अब आपने साथ साथ मैंने क्या करना है, 20 मैंने रैप्स करके, 20 रैप्स के बाद मैंने करना है चेस्ट फ्लाई, ठीक है. ये भी है, इंक्लाइन भी है. मैं अभी फ़िलहाल आज को आपको इंक्लाइन सिखा देती हूँ. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, राइट. अब आहिस्ता आहिस्ता आपने सर को रखना है और अगेन टमी को अंदर करना है, थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड आना है, फॉरवर्ड आके, ठीक है. और आपने अपने अपर जो है लोअर बैक जो है ना वो बिल्कुल अप रखना है और अपने अपर बैक को स्विस बॉल पे रखना है, ठीक है. इसके बाद आपने डंबल को इस ऐसा पोजीशन में आपने पकड़ना है, पकड़ के आपने क्या करना है, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, स्पेशली आपके जिनके बैक फ्लैबी है एंड स्पेशल आपके चेस्ट के लिए. बहुत 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 ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज है. ये दोनों कैटेगरीज वुमेंस कर सकते हैं, ठीक है. ऑलराइट, ओके, नाउ अब करते हैं इसी में क्रंचेस, ठीक है. मैं इसमें आपको क्रंचेस भी सिखा दूँगी, उसके बाद आपको हमने इसी में बाइसेप भी और ट्राइसेप भी सिखा देती हूँ, ठीक है. आज मैंने सबसे पहले क्रंचेस सिखा दूंगी. क्रंचेस में ये होती हैं कि तकरीबन आपने हर तरह की क्रंचेस कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने नॉर्मल क्रंचेस सिखा दूंगी. बैक स्ट्रेट होना है, थोड़ा सा आपका
सिंपल लोहर जो बैग है वो आपने I'm so sorry, आपने रखना है स्विस बॉल पे बैग चेस्ट चिन अप रखना है और चेस्ट इसी तरह स्ट्रेट करना है और अपनी टमी को अंदर रखना है ठीक है और करना है और देखिए ये साइड बाय साइड एल्बो टू नी होल्ड भी रख सकते हैं फिर वापस जाना है होल्ड फुल होल्ड यही से आपने टमी को अंदर करके होल्ड रखना है और हल्का सा भी फास्ट रखना है ठीक है मैंने फास्ट 20 to 30 मैंने क्या किया है ठीक है आराम आराम से किया अब मैं करना है क्या बिल्कुल फास्ट वेरी नाइस फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं कि आपके अपर जो टमी है अपर बैक एब्डोमेन वो इसकी क्रंचेस होंगी ओके नाउ स्टार्ट करते हैं दूसरी यही से आपने करना है होल्ड क्योंकि आपने जैसे मैंने बहुत से दफ़ा आपको प्लैंक सिखाई थी हम स्विस बॉल पे प्लैंक करते हैं अच्छा आपके अगर बिगिनर है आपसे नहीं हो रहा है थोड़ा सा घबरा रहे कि ये कैसे स्टैंड हो गए तो आपने बिल्कुल वॉल पे आपने सपोर्ट देना है फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक आपको सीख जाएंगे आप होल्ड रखना है इसी तरह अगेन अपने हिप को बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना और बहुत डाउन भी नहीं करना गोल्ड स्ट्रेट कर दिया चले हमने एक और भी है इसी तरह आपने बैठना है बैठ के आपने करना है शोल्डर यहाँ बिल्कुल चेस्ट लेवल पे हो ऐसे ऊपर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 सेम यहीं पे ये देखे 1 2 3 4 अच्छा अपनी एल्बो जो है ना नीचे नहीं रखना एल्बो को अप रखना है ठीक है और थोड़ा सा आपने बेंड रखना है तकरीबन 85 डिग्री बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा बेंड भी नहीं करना थोड़ा सा हल्का सा चेस्ट को बिल्कुल और ना बहुत पीछे भी नहीं जाना बिल्कुल हल्का सा जहाँ से आपका शोल्डर होती है एंड 3 4 अच्छा ये जो है ना ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये भी अगेन चेस्ट लाइक ये है ठीक है आपके पेक्टोरियल और मेजर पेक्टोरियल के लिए वेरी नाइस मतलब सीटेड या स्विस बॉल पे सीटेड चेस्ट फ्लाई कहते हैं ठीक है एक मसल के तक बहुत सारे वेरिएशन भी है एक्सरसाइज है हमने करते हैं तक हम के जब तक हमें वेरिएशन नहीं देंगे तो हमें हमारे जो मसल है हमारे जो बॉडी है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे इतने जल्दी ठीक है अपने फॉर्म बिल्कुल सही रखना है और उसके बाद हमने अगेन एक और एक्सरसाइज बता देती हूँ बैक की आपने करना है लाइक यही सब आपको
पीछे कर दीजिएगा और स्ट्रेट रहना है, रह के और आपने रो करना है, ठीक है? लाइक दिस सीटेड रहना है और लेके जाना है पीछे, यस, बैक स्ट्रेट देखना है और स्क्वीज करना है, आगे लेके आना है, यही आपने पीछे जाना है और यहीं पे स्क्वीज करना और अपनी एल्बो को बिल्कुल आपने करना है क्लोज टू योर ऑब्लिक, ठीक है? ये देखें लाइक दिस होल्ड कर दिया, अगर एक्सपेंड कर दिया तो आपकी जो लेटर मिल डोर्सी है वो नहीं होगी, दिस इज एनफ, राइट? ठीक है, आज मैंने आपको अपर बॉडी का जिसमें हो गया आपके बैक एंड चेस्ट की एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आगे आर्म्स का बताऊंगी। अच्छा, मैं जो एक एक्सरसाइज सोच रही थी बैठ के कि पोस्चर एक्सरसाइजेस हम लोगों को अगर बताएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली जो लोग थोड़े से टॉल होते हैं, तो मेरे साथ तो यही हुआ कि मेरी क्लास में बाकी सारे लड़के होते थे, लड़कों की वैसे हाइट थोड़ी लेट निकलती है, तो मैं सबसे पहले लंबी, और उसकी वजह से ना आप थोड़े से ऐसे हो जाते हो जस्ट टू फिट इन, और अभी तक जो है मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ी होती, और आई हर्ड कि देयर आर एक्सरसाइजेस जिससे आपका पोस्चर जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, और वो भी इसमें एग्जैक्टली इसी के अंदर जो है ना बहुत है, तो हम वो भी करवा सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह मैं ऐसा करती हूं कल करा दूंगी। क्या बात, देखिए ऐसे होने चाहिए ट्रेनर आपके पास, बताएं कल हम आपको पोस्चर की एक्सरसाइज कराएंगे, और आगे जाके जिनका पोस्चर खराब होता है उनको बैक पेन और शोल्डर पेन और ये चीजें बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, वो कहते हैं कि जो जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसको, स्पाइनल कार्ड जैसे कहते हैं उसको उर्दू में, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारे मतलब एक स्ट्रक्चर के पिलर है, अगर वो खराब हो तो फिर वो मेन सपोर्ट है, तो हम उसी में आप करे होते, अगर आप स्ट्रेट है, अगर आपका जो रीढ़ की हड्डी है जो उस तरह स्ट्रेट जैसे कहते हैं वो होता है, अभी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, शातिका होती है, एनीरिया होती है, नेचुरल कर्व होनी चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे होती है कि उनकी स्ट्रेट होती है जिसकी वजह से उनकी लोअर बैक जहाँ वो सबसे एक डॉट जगह होती है जहाँ से हिप्स स्टार्ट बोन, हिप बोन स्टार्ट होते हैं, वहाँ उनको हमेशा पेन रहती है, तो इस पे हम आपको एक्सरसाइजेस इंशाल्लाह कल बताएंगे, इस पे मज़ीद बात भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच किरण फॉर बीइंग विद अस, छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप साथ।